नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। इनके हाथ के कलर जो रेखा है वो डार्क है, तो ये जमीन से जुड़े काम या फाइनेंस से जुड़े काम या धातु से जुड़े काम अगर ये जीवन में करे तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पाम है प्रोग्रेस के हिसाब से। अब ये पाम को देखे तो थोड़ा सा फोल्ड किए हुए, पर इनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, वो हिसाब से मैंने सभी में देखकर मैं इनका जजमेंट आपको बताऊंगा। पहली दृष्टि में देखे तो ये पाम काफ़ी चौड़ाई लिए हुए। जब इस तरह का चौड़ा पाम होता है व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनत करके अच्छा खासा साम्राज्य अपना खड़ा करता है। तो एक प्लस पॉइंट ये है। इनका अंगूठा यहाँ से काफ़ी मांसल है, तो ये अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, पर जिद वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा है पर है नुकीला। तो जिद में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, उतनी एनर्जी नहीं लगाते होंगे, उसके बदले लोगों को समझाने में, तथ्यों को बताने में अच्छा खासा एनर्जी इनका वेस्ट होता होगा। ये फैलेंज अगर बड़ा होता तो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति काफ़ी जिद्दी होता है, पर नुकीला होने के कारण ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, ये एक प्लस पॉइंट है। पर चाहिए वैसी जिद ये फैलन छोटा होने पर नहीं होती, लोगों को समझाने में अच्छा खासा व्यक्त समय वेस्ट होता है। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है, और छोटी उंगली अच्छी खासी फर्स्ट फैलन तक पहुंच रही है। मैंने दूसरे फोटोग्राफ में भी देखा है, थोड़ी सी कमी रह रही है, पर इतनी कमी चल जाती। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारी चीज़ों में, मनी मैनेजमेंट में ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं। और जिसकी भी ये उंगली और अंगूठा अच्छा रहा तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा सफल होता है। अब यहाँ पर बुध पर्वत को देखे तो बुध पर्वत इस फोटोग्राफ में थोड़ा सा उभार लिए हुए लगता है, पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ देखे, बुध पर्वत मध्यम उभार है, इतना अच्छा उभार नहीं है और इस पार्ट से ज़्यादा उभार है। तो व्यक्ति पैसा नाम के लिए कमाना चाहता है, ये एक क्लेरिफाई होती चीज़। दूसरा, यहाँ से जब थोड़ा सा भी दबाव तो व्यक्ति अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस होता है, मन में दबा के रखता है चीज़ें, ये एक माइनस पॉइंट होता है। पर यहाँ पर खड़ी लाइनें होने से व्यक्ति बिजनेस के अंदर अच्छा खासा एक्सपर्ट होता है, व्यापार वाणिज्य में। और इनकी जिस तरह से लाइन है, अगर ये हृदय रेखा के आसपास से ही निकल रही है तो हो ना हो ये साइंस क्षेत्र से, साइंस या टेक्नोलॉजी से पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि इस तरह की लाइन व्यक्ति को उस तरफ लेकर जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान इनको अच्छा खासा होता है। अब चलते हैं इनके सूर्य रेखा पर। इनकी स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा यहाँ पर है और एक रेखा यहाँ पर भी है, पर ये जब ब्रेक होती है तो इतना अच्छा फल नहीं देती। फिर भी सूर्य रेखा है वो उसके फल तो देगी। शुरुआत के जीवन में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जब आपके हाथ पर सूर्य रेखा होती है अच्छा खासा पसीना निकालना होता है। और इनकी उम्र वर्तमान लगभग 29 ईयर्स है, और ये जब सूर्य रेखा रहती है तो व्यक्ति कंफर्टेबल इनकम करता है, पर उसके पहले का जो समय रहता है वो व्यक्ति काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, काफ़ी पसीना निकालना होता है। तो ये दो पार्ट में सूर्य रेखा चल रही है, उम्र 36 से लेके 55 तक, और फिर 55 से लेके 56 तक, ये दो पार्ट में है। तो इनको इसका फ़ायदा तो मिलेगा, यश भी मिलेगा, काम करेंगे 100 रुपये का नाम होगा, 1000 रुपये का इस तरह का होगा, यश मिलता रहेगा। और जैसे इनकी एक्टिवेशन पीरियड शुरू होती है तो व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है, व्यक्ति का काम रिकॉग्नाइज होता है, इस तरह के कार्य व्यक्ति के जीवन में होते हैं। और यहाँ पर चले तो एक रेखा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
तो व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे तक अन्न करते रहता है, और जिसके भी सूर्य रेखा आ गई फिर कोई बात नहीं होती, व्यक्ति कंफर्टेबल इनकम उसके जीवन में आती ही रहती है। और यहाँ पर भी इसी तरह की है, और इनका शनि पर्वत काफ़ी फ्लैट है। हाँ, थोड़ा सा इस पार्ट से उभार दिख रहा है तो शरीर में थोड़ा सा आलस हो सकता है, बाकी शनि पर्वत काफ़ी अच्छा है, इनको लाभ देता रहेगा। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। सिंपल पाम है, गुरु पर्वत चाहिए वैसा बड़ा नहीं है, और दूसरा यहाँ से काफ़ी बड़ा उभार है। तो ऐसे लोगों को या तो परिवार से दूर रहना पड़ता है, या पारिवारिक समस्याएं क्रिएट होती है, और जब शादी करते हैं तो मैरिज लाइफ में भी, सांसारिक जीवन में भी व्यक्ति को तकलीफें आती है, मन मुटाव रहते हैं, इस तरह की चीज़ें रहती है। मैं इसका उपाय दूंगा, और इनको बैलेंस भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका शुक्र काफ़ी अच्छा है, और ये अगर थोड़ा सा बैलेंस कर दे तो अच्छा खासा धन इनके जीवन में आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी एक रेखा, दो, तीन, ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं चलती है गुरु पर्वत पर, सॉरी, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है। व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा अधिक आय के साधन होते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है। अब चलते हैं अंदरूनी मंगल। अब जिसका भी पाम चौड़ाई लिए हुए उसका अंदरूनी मंगल ऑलवेज अच्छा होता है, शरीर में एनर्जी अच्छी खासी होती है, व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। और यहाँ पर देखें तो इनका बाहरी मंगल देखने लायक है, अच्छा खासा उभार लिए हुए। ये जब किसी से मिलते होंगे तो कंफर्टेबल सामने वाला फील करता होगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और यहाँ पर ये एक दो छोटी लाइनें हैं, ये व्यक्ति को पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन कराने में सक्षम है। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। इनका चंद्र पर्वत देखने लायक काफ़ी क्लीन एंड नीट है, और यहाँ से थोड़ा सा कौ भी ले रहा है, तो व्यक्ति संगीत का शौकीन भी हो सकता है। और इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति को रिफाइंड सोच, निर्णय शक्ति इनकी अच्छी रहती है, और विदेश से भी संबंध इनका आता है, और इनकी तो पूरी जीवन रेखा ही इस तरह से चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे लोगों के विदेश में बसने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर विदेश में नहीं बसते तो ये लोग अपने जन्मस्थल से दूर बसते हैं, पर चांसेस इनके जिस तरह का चंद्र पर्वत है उससे चांसेस, और इनकी जो फेट लाइन है जिस तरह से चल रही है, तो इनके विदेश में बसने के चांसेस काफ़ी बेटर है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो आपका इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर देखें तो इनके मनी ट्रायंगल, एक मनी ट्रायंगल इनका कंप्लीट है, पर ये काफ़ी छोटा है, पर ये लाइन भी डेवलप हो चुकी है और ये पूरा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में आय के साधन 100% आगे जाकर बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट है, ये आगे चलकर डार्क होगी, और ये पूरा मनी ट्रायंगल बनेगा, और इनके पास आय के साधन अच्छे खासे निर्मित होंगे, और अच्छा खासा धन भी व्यक्ति अपने जीवन में जमा कर लेगा। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर ये नज़र आती है शुक्र रेखा है, ये व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देने में काफ़ी कैपेबल है। जब व्यक्ति की एक लाइन होती है तो गाड़ी घोड़े में घूमता है व्यक्ति, तो इनके पाम पर तो तीन लाइन है, ये लाइनें इनको धन भी देगी प्लस लग्जरी लाइफ भी देगी, तो ये काफ़ी सक्षम है और अच्छा खासा जीवन ये गुजारेंगे लग्जरी के रूप में। और जब यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें दिखती है तो व्यक्ति का शेयर सट्टे में भी ध्यान जाता है, जीवन के किसी न किसी मौके पर इनका शेयर सट्टे में भी दिमाग जाएगा, क्योंकि ये लाइनें उस तरफ लेकर जाएगी। दूसरा, इतना अच्छा शुक्र पर्वत, व्यक्ति जीवन शैली उसकी खर्चाऊ रहती है पर इनकम अच्छी खासी आती है, और उसके सामने अगर ये बैलेंस कर दे दोनों को तो अच्छा खासा धन इनके जीवन में आता है, क्योंकि ये दोनों पर्वत धन देने में अच्छे खासे सक्षम होते हैं। मैं उपाय दे दूंगा इनको,
और शुक्र पर्वत एक गेंद की तरह है। व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से करता है, बहुत अच्छी तरह से रहता है, पसीना खूब आता है इनको, गर्मी सहन नहीं होती, इस तरह के सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, पर जिस तरह की है और यहाँ पर फ्लर्ट लाइनें भी है, तो व्यक्ति खुश मिजाज रहने वाला व्यक्तित्व रहता है। दुख के समय भी थोड़ी देर दुखी होगा, उसके बाद खुश रहने की कोशिश करता है। और जब कौ लेती है आपकी हृदय रेखा, तो आप एकदम भावुक किस्म के इंसान रहते, सच्चे प्रेमी रहते, प्लस गुरु पर्वत से टच होती है तो व्यक्ति विश्वासु भी रहता है। किसी के भी 100 रुपये बाकी हो तो सामने से देकर आएगा, इतने अच्छे स्वभाव के ये लोग रहते हैं। आसपास के लोगों से अच्छी खासी रिलेशन रखते और सबसे घुल मिल कर रहते, और पर इनकी हार्ट लाइन काफ़ी डार्क है। इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को अपना पर्सनल जीवन शांति से जीने नहीं देती, कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में बोझ लगा ही रहता है, आपाधापी लगी ही रहती है, चाहे वो कार्य की हो चाहे परिवार की हो, कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में बोझा रहता ही है, और वो अपना जीवन जीने के बदले किसी और के लिए जीता है। ये जीवन भर चलेगा, ये शांति से अपना जीवन जी नहीं पाएंगे, कोई ना कोई दिमाग के अंदर द्वंद्व चलता ही होगा, कोई ना कोई कार्य का बोझ कहो या पारिवारिक बोझ कहो, ये चलता ही रहता है। इस तरह की हार्ट लाइन है इनकी। और अब चलते हैं इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट अंदरूनी मंगल से शुरू होकर इस तरह से चल रही है। तो जब अंदरूनी मंगल से शुरू होती है तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है जीवन में, ज़्यादातर प्लानिंग कागज़ पर रहते या दिमाग में रहते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और चंद्र पर्वत की ओर थोड़ी सी भी झुकती है माइंड लाइन तो व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा झुक नहीं रही है, पर फिर भी थोड़ा सा टच है और थोड़ी सी शॉर्ट है, तो एक सर्टन लेवल, यानी बहुत जल्दी तो नहीं पर एक सर्टन लेवल के बाद थोड़े विस्फोटक होते होंगे। और माइंड लाइन भी इनकी मोटी है, तो ये लोगों की जो याद करने की जो तरीका रहता है, याद शक्ति रहती है पर याद करने का जो तरीका रहता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ये एक चीज़ रहती है। और ये भी जब माइंड लाइन मोटी रहती है तो भी आपके दिमाग पर कोई ना कोई आसपास के सराउंडिंग का आप पर असर रहता है और बोझ उठाते हो, आप फ्रीली नहीं रह पाते। यानी इतना अच्छा हाथ होकर भी दोनों रेखाएं मोटी होने के कारण ये एकदम रिलैक्स से लाइफ नहीं जी पाएंगे, कोई ना कोई टेंस इनके जीवन में खड़ा ही रहेगा। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर चलने के पहले इनका एक सवाल था, मेरी शादी कब होगी? तो इनकी शादी काफ़ी धामधूम से 1-1.5 साल के अंदर ही हो जाएगी, ये क्लियर कट संकेत है, बहुत अच्छी तरह से होगी इनकी शादी। और यहाँ पर देखें इनकी जीवन रेखा तो बहुत सारे ऑफशूट जा रहे, और ख़ासकर ये ऑफशूट इनको अच्छी खासी लाभ दिलाएगा। ये उम्र होगी लगभग 34-35 के आसपास, इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य संपन्न होगा। और यहाँ पर एक राहु रेखा काट रही है, उम्र लगभग 42 के आसपास, थोड़ा सा कष्ट आएगा इनके जीवन में। और एक राहु रेखा हल्की सी काट रही है, उम्र 50-52 के आसपास। ये दो पीरियड को छोड़कर इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी चंद्र पर्वत पर जा रही है, और बुध रेखा भी बनी हुई है, तो साम्राज्य तो इनका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अपने जीवन में। और बाकी इनकी जो जीवन रेखा उस पर कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, अच्छी खासी आगे बढ़ रही है, और ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये भी इनको सफलता अच्छी खासी दिलाएगा 40 के आसपास। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पर। फेट लाइन को देखें तो चंद्र पर्वत से शुरू होती है और यहाँ आकर अटक गई।
यहाँ इसका मतलब होता है व्यक्ति एक बार तो परिवार को विदेश यात्रा पर लेकर जाएगा। जब आपकी फेट लाइन माइंड लाइन को अटकती है तो इस तरह का योग मिलता है। और मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में कंटिन्यू रहेंगे। और ये जो लाइन है ये या तो विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा करती है, या व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जो किसी और का संतान होगी और उसको सर्विस देकर या उसको बड़ा करके पैसा कमाना। यानी जैसे एक एग्जांपल, आप अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो तो मारुति का आपने सर्विस स्टेशन खोल दिया, तो किसी और का प्रोडक्ट है पर उसको सर्विस दे रहे हो आप और उससे पैसा कमा रहे हो। या तो वो कार्य होता है व्यक्ति के जीवन में, या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। दो में से कोई एक कार्य इनके जीवन में होगा 36 के आसपास से। और यहाँ पर देखें तो मल्टीपल इनकम के स्रोत कंटिन्यू बने हुए हैं। और ये जो लाइन है अभी वर्तमान पीरियड ये जो चल रहे, एक कोई ना कोई खर्च या नुकसान इन्होंने उठाया होगा। ये उम्र लगभग 29-30 के आसपास इनके जीवन में ये चीज़ दिख रही है। या तो शादी का खर्च हो या कोई और दूसरा खर्च इनके जीवन में आएगा। और उसके बाद ये जो लाइन है 32-33 से थोड़ी सी धूमिल हो रही है। तो ये पीरियड में इनको इनकम करने में कठिनाई आएगी। यानी इनका 36 साल का जो पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। 32 के बाद, 32 से लेके 36 तक का पीरियड थोड़ा आय के मामले में कठिन रहेगा। पर यहाँ से जिस तरह से फेट लाइन चल रही है, ये स्ट्रांगनेस है, 36 के बाद इनके जीवन में आय के साधन अच्छे खासे डेवलप होंगे। और ये ऑलवेज मल्टीपल इनकम स्रोत इनके जीवन में खड़ा ही रहेगा, तो ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर कोई ज़्यादा इनकी जो फेट लाइन है उस पर कटाव नहीं है, एक दो कटाव यहाँ पर है और यहाँ। तो इस पीरियड में कोई ना कोई आर्थिक कष्ट आएगा। जैसे ये दो पीरियड है तो एक 40 और एक 42-43 के आसपास कोई ना कोई कष्ट इनके जीवन में आएगा आर्थिक। और ये जो है ये 51 के आसपास या 52 के आसपास ये परिवार के लिए बड़ा खर्च करेंगे। उसको छोड़कर कोई भी कट इनके जीवन में नहीं है, इनके जीवन की गाड़ी आगे चलती रहेगी और बुढ़ापे तक अच्छी खासी इनकम जीवन में करते रहेंगे। तो मेरी इनसे यही सलाह है, 36 के आसपास इनको विदेश में सेटल होने के लिए प्लानिंग करना चाहिए, तो ये अच्छी खासी अर्निंग इनके जीवन में दिख रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।